केबीसी 10 में महाराष्ट्र के एक स्कूल में चपरासी की नौकरी करने वाली सोनाली दुधाल ने अपनी जिदंगी की कहानी और बचकानी हरकतों से शो के होस्ट अमिताभ का दिल जीत लिया। सोनाली ने बताया कि कैसे उन्होंने लंबा सफर तय करके खुद को काबिल बनाया है। बता दें कि सोनाली बस में कंडक्टरी भी कर चुकी हैं और इस दौरान उन्होंने बस में लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले कई बदमाशों को धूल चटाई है। तो आइए जानते हैं उनके इस सफर के बारे में। सबसे पहले बता दें कि सोनाली का सपना है कि वह स्कूल टीचर बने, लेकिन आज वह उसी स्कूल में चपरासी की नौकरी कर रही हैं जिसमें वह टीचर बनना चाहती हैं। लेकिन चपरासी बनने से पहले वह बस में कंडक्टर की नौकरी भी कर चुकी हैं। शो में सोनाली ने कंडक्टरी के अपने काम से जुड़ा अनुभव शेयर करते हुए बताया, महिला कंडक्टर को देखकर बस में कुछ लोग परेशान करने की कोशिश करते थे, कभी पैर अड़ा देते तो कभी धक्का दे दिया करते थे, लेकिन सोनाली ने इसका डटकर मुकाबला किया। उन्होंने बताया कि वह छेड़खानी करने वालों के मुंह पर बेल्ट मारकर सबक सिखाती थी। सोनाली के सामने बैठे अमिताभ बच्चन इसे बहुत ध्यान सुन रहे थे और फिर कहा कि आपकी ये बातें सुनकर छाती चौड़ी हो गई। बता दें कि इस दौरान सोनाली हॉट सीट पर बैठकर 12,40,000 रुपए जीत चुकी थी, लेकिन सोनाली को और भी ज्यादा पैसे जीतने की लालसा थी, इसलिए उन्होंने बिग बी के बार बार चेतावनी देने पर भी बिना सोचे समझे 13वें प्रश्न का उत्तर गलत दे 9,00,000 रुपए गवा दिए। बता दें कि 13वें सवाल पर सोनाली पर कोई लाइफलाइन भी नहीं बची थी, फिर भी उन्होंने बिना किसी डर के उत्तर दे दिया। बता दें कि इस गलत उत्तर की वजह से वह 12,40,000 से 3,20,000 रुपए की रकम पर आ गई। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। रोजाना ऐसी ही मजेदार और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।